हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ लगाने के लिए अलमंडा का पौधा, तो मैं सोची आप लोगों से भी शेयर करूँ। और इसे मैं लाई थी जब, तो आप लोगों से भी शेयर किया था कि मैं ये नर्सरी से लाई हूँ और ये मुझे सिर्फ 50 रुपीज़ का मिला है। और ये पौधा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सभी के गार्डन में देखती थी अलमंडा का पौधा, तो मुझे भी लगा कि मैं भी लगाऊं और इसमें फूल भी बहुत अच्छे आते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपने गार्डन पे इसे ऐड करूं। तो आज मैं इसी की रिपोर्टिंग करने जा रही हूं। उस दिन मैं लाई थी, लेकिन मैं लाने के बाद 2-4 दिन अपने पौधे को इसी तरह रख देती हूँ, उसके बाद मैं इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ। और यहाँ पर देखिए, एक फूल भी बहुत सुंदर सा खिला हुआ है और इसमें फूल भी बहुत अच्छे आते हैं। तो ऐसे तो मैं पहली बार लगा रही हूँ, अब देखती हूँ कि मेरे पास इसका क्या हाल होता है। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने मिट्टी लिया हुआ है और मिट्टी मैं सेम तरीके से ही बनाती हूँ। और ये मैं ली हूँ वर्मी कम्पोस्ट, और ये है थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नीम खली और केले का छिलके का पाउडर। तो ये सब चीज़ें तो मैं ज़रूर ही डालती हूँ फूलों के पौधे में। जब भी मैं रिपोर्ट करती हूँ तो इसी तरह की मिट्टी बनाती हूँ, तो सभी को मैंने डाल लिया है। और थोड़ा सा मैं चूना इसमें ऐड की हूँ, लेकिन वो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा ऐड किया है। और यहाँ पर देखिए, इसके पत्तियाँ थोड़ी सी पीली हो रही हैं, तो इसीलिए मैंने इस पर थोड़ा सा अलग कुछ खाद डाला है, तो वही मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारा एप्सम सॉल्ट। ऐसे ज़्यादातर मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन इसकी पत्तियाँ पीली हो रही है, इसीलिए मैं इसमें आधा चम्मच के बराबर मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये मैं पहली बार अपनी मिट्टी में मिला रही हूँ, ऐसे तो मैं ज़्यादातर स्प्रे करती हूँ। तो वैसे मेरे पौधे तो सभी अच्छे ही रहते हैं, तो मैं वो स्प्रे भी नहीं करती हूँ, लेकिन जब पत्तियाँ ख़राब होती हैं तो मैं 1-2 बार स्प्रे कर देती हूँ पानी में मिलाकर। तो उस तरह भी कर सकते हैं, जैसे 1 लीटर पानी में आधा चम्मच डाल दिया और हर 15 दिन में आप स्प्रे करें, या महीने में 1 बार भी कर सकते हैं। तो इससे हमारे पौधे की पत्तियां भी अच्छी हो जाती है और पौधे भी हरे भरे रहते हैं। तो ये मैंने मिला लिया सारी मिट्टियों को और अब इसे मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये प्लास्टिक में फाड़ना नहीं चाह रही हूँ, मैं सीधे निकाल रही हूँ, तो ये निकल भी जाएगा आसानी से। मैं इस पर फिर दूसरी कुछ भी पौधे डाल दूँगी। तो ये देखिए, हमने निकाल लिया और देखिए जड़ें इसकी कितनी बाहर तक हैं, और इसकी मिट्टी बहुत सख्त है, निकल ही नहीं रही है। देखिए, जब भी मैं निकाल रही हूँ इसके साथ जड़ें भी टूट रही है। देखती हूँ जितना निकलेगा उतना निकालूंगी, नहीं तो इसी तरह रिपोर्ट कर दूँगी, क्योंकि मैं पहली बार ये पौधा ला रही हूँ तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगी। और आप लोगों से भी यही कहूँगी कि जो भी पहली बार पौधा लाए तो ज़्यादा रिस्क नहीं लें। तो और देखिए, यहाँ पर नीचे कितनी सारी जड़ें भी हैं, लेकिन जब भी मैं मिट्टी निकाली हूँ तो इसके साथ जड़ निकल रहे हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसके मिट्टी मैं नहीं निकालूँ, इसी तरह रिपोर्ट कर दूँगी। और ये देखिए, हमने एक बाल्टी लिया हुआ है और उसमें मैं छेद बनाई हुई है, और इसमें मैं पहले भी एक बार पौधे लगाई थी, तो इस तरह से रख दिया पत्थर और उसके ऊपर कपड़े मैं डाल रही हूँ। कपड़े तो मैं सारे गमलों में डालती हूँ, अब आप लोगों ने देखा भी है, और इसके मुझे बहुत सारे फ़ायदे भी हो रहे हैं, हमारा गार्डन गंदा होने से ही बच रहा। तो इस तरह से हम डाल देते हैं सारी मिट्टी। इसमें फूल बहुत अच्छे आते हैं, इसीलिए इसे अपने गार्डन में आप लोग भी, जिनके पास भी नहीं है, वो ज़रूर ऐड करें। और ये परमानेंट पौधा है और इसका कोई ख़ास अलग से केयर करना नहीं है, जैसे सभी फूलों के पौधों के करते हैं उसी तरह इसे भी करें। तो इस तरह से मैं सारे मिट्टी इसके ऊपर डाल दे रही हूँ, और इसे छाया में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जड़ों में इसकी मिट्टियाँ लगी हुई थी, तो इसलिए मैं इसमें अच्छी तरह से पानी डाल दूँगी और इसे मैं धूप में ही रहने दूँगी, मैं छाया में बिल्कुल भी नहीं रखूँगी इसे। देखिए, जब बारिश था तो मैं थोड़ा कम पानी डालती थी, लेकिन अब जब भी किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग करें तो अच्छे से उसमें पानी डालें,
क्योंकि अब धूप तेज़ हो रही है, तो इसलिए मैंने खूब अच्छे से पानी डाला है। तो इस तरह से हमारा पौधा तैयार हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो अपने घरों में भी एक पौधा ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।